व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। रवा डोसा बना रहा हूँ आज, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाला, वो जो एकदम जाली जैसा बनता है, एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा। लेकिन उसके पहले बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है आप सबके लिए। जो गिव अवे अनाउंस किया था मैंने YFL इनटू हैमिल्टन बीच इंडिया वाला, उसके रिजल्ट्स अनाउंस कर रहा हूँ। तो ये जो स्क्रीन पे आपको नाम दिख रहे हैं, ये 6 विनर्स हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर्स और थैंक यू सो मच टू एवरीबडी जिसने पार्टिसिपेट किया। करीब करीब 8,500 से भी ज़्यादा एंट्रीज आई और बहुत ही मुश्किल था रिजल्ट्स को पिक करना, लेकिन फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द 6 विनर्स। आपको YFL टीम या हैमिल्टन बीच इंडिया की टीम कॉन्टैक्ट करेगी और आप फिर अपनी गिफ्ट्स क्लेम कर पाओगे। थैंक यू सो मच अगेन एवरीबडी हु हैज टेकन पार्ट। अभी रवा डोसा जो बना रहा हूँ वो बहुत ही परफेक्ट बनने वाला है आज। जो भी आपको तकलीफें होती है घर पे कि चिपक जाता है, निकलता नहीं है, फट जाता है, सॉफ्ट बनता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ एकदम परफेक्ट रवा डोसा घर पे कैसा बनता है देख लेते हैं। बैटर बनाने के लिए एक बड़े से बोल में 1 कप राइस फ्लावर यानी चावल का आटा, 1/2 कप उपमा वाला रवा यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ रवा ऐड कर दीजिए, साथ में 1/4 कप मैदा, 1 टीस्पून जीरा, 5 से 6 क्रश की हुई साबुत काली मिर्च, साथ ही में 1 टीस्पून चॉप्ड अदरक, 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून चॉप की हुई कड़ी पत्ता और टेस्ट के हिसाब से नमक। ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से अब मिला लीजिए। एक बार इन चीज़ों को आपने मिला लिया है, अब इसमें पानी ऐड करना है। टोटल 4 कप पानी यूज़ कर रहा हूँ आज। इसमें से 1/2 पानी यानी कि 2 कप पानी पहले ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। 1/2 पानी डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लम्स नहीं बनाने, साथ में एक साथ पानी डाल दो कई बारी लम्स बन जाते हैं। एक बार सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं, तब इसके अंदर और 2 कप, जो फाइनल 2 कप है पानी के, वो भी ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक बार आपका बैटर इस तरीके से बन जाए, आप देख सकते हो काफ़ी पतला बैटर होता है रवा डोसा का, इसी तरीके से बनता है ये डोसा। अब इसको 1/2 घंटे के लिए आपको रेस्ट देना है। तो रवा डोसा का जो बैटर है वो बना लिया है। अब बैटर आपने देखा होगा काफ़ी पतला है, इसी तरीके का बैटर बनता है रवा डोसा के लिए। इसी से वो जाली जो है, वो जाला टाइप जो डोसा बनता है, वो इस कारण बनता है कि बैटर में काफ़ी मॉइस्चर होता है। जब भी वो एकदम गरम गरम तवे पे हिट होता है तो वो जाला बन जाता है। अब पानी आपको 4 कप यूज़ करना है, यही क्वांटिटीज़ यूज़ कीजिए। इसी तरीके का अगर आप बैटर बनाओगे तो परफेक्ट डोसा बनेगा आपका। रवा जो है आपको उपमा वाला जो रवा मिलता है मार्केट में वो यूज़ करना है, उससे एकदम परफेक्ट रिजल्ट आते हैं। 1/2 घंटा आपका बैटर एक बार रेस्ट हो जाए, उसके बाद इस डोसे को पकाना कैसे है वो देख लेते हैं। बैटर हमने रेस्ट कर लिया है, रेस्ट होने के बाद जो रवा है वो काफ़ी फूल जाएगा और नीचे सेटल हो जाएगा। तो अच्छे से बैटर को मिला लीजिए और अब आप बैटर को यूज़ कर सकते हैं डोसा पकाने के लिए। तो एक नॉनस्टिक पैन यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, अगर नॉनस्टिक पैन नहीं ले रहे हैं तो एक अच्छे से सीजन किया हुआ पैन ले लीजिए। अब इस पैन को आपको बहुत अच्छे से गर्म करना है, एकदम अच्छे से आप पैन को गर्म कर लीजिए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है रवा डोसा के परफेक्ट टेक्सचर के लिए। पैन एक बार गर्म हो जाए तब इसके ऊपर आपको चॉप्ड प्याज अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो चॉप प्याज को इस तरीके से स्प्रेड कर लीजिए। अब जब भी आप डोसा बनाएंगे तभी उसके पहले आप अच्छे से स्टर करेंगे, ये बात को ध्यान देना है, रवा बहुत जल्दी नीचे बैठ जाता है। अच्छे से स्टर करके एक लेडल से बैटर ले लीजिए और अब आपको धीरे धीरे इस तरीके से पोर करना है। अब देख सकते हैं पैन हमारा इतना गर्म है कि उसकी वजह से जो बैटर है वो फटाफट से एकदम सिजल हो रहा है और उसकी वजह से ये टेक्सचर बन रहा है। ये टेक्सचर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये टेक्सचर नहीं बनेगा तो आपके रवा डोसा का जो टेक्सचर है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है, उसकी जो क्रिस्पीनेस है, वो नहीं आएगी। और ये सिर्फ और सिर्फ आपका पैन बहुत अच्छे से गर्म हो उस वजह से ये हो रहा है। और अब आपको क्या करना है, डोसा को सेट होने देना है। थोड़ा सा आपका जो डोसा है वो सेट हो जाए उसके बाद इसके ऊपर आप घी या तेल डाल सकते हैं। घी या तेल अच्छे से लगा दीजिए इसके ऊपर ताकि आपका डोसा जो है एकदम अच्छे से क्रिस्पी बने। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में बड़े होल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, रवा डोसा इसी तरीके से बनता है। अब आपको मीडियम लो फ्लेम पर इस डोसे को आराम आराम से पकाना है। रवा डोसा को थोड़ा सा टाइम लगता है पकने को नॉर्मल डोसा से, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, आराम आराम से पकाइए। आप देखेंगे कि इस तरीके से एजेस और बीच बीच में स्पॉट्स होंगे जो ब्राउन होते जाएंगे। ये ब्राउन होना बहुत ज़रूरी है, आपको ऐसे लगेगा कि आपका डोसा जल रहा है बट जल नहीं रहा है, ये एकदम क्रिस्पी हो रहा है। जब आप इसको पलटाएंगे तो देखेंगे एकदम बहुत अच्छा ब्राउन कलर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो डोसा अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं स्पॉट्स भी आ चुके हैं। इस स्टेज पर यहाँ पर मैं डोसा को निकाल रहा हूँ तवे से, मैं ट्रायंगल में फोल्ड कर रहा हूँ, आप सेमी सर्कल या पूरी तरीके से डोसे को निकाल भी सकते हैं। आप देख सकते हो अभी डोसे को मैंने फोल्ड कर लिया और हमारा एकदम क्रिस्प और एकदम परफेक्ट टेक्सचर वाला रवा डोसा रेडी हो गया है। हमारा रवा डोसा एकदम क्रिस्पी वाला और एकदम परफेक्ट वाला रेडी हो गया है। इस तरीके से सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिए तो आपका डोसा एकदम परफेक्ट बनेगा हमेशा।
डोसा रेडी है, सांबर चटनी मैंने बना के रखी हुई है, प्लेट कर लेते हैं रवा डोसा को वाईफाई स्टाइल। तो इसी तरीके से अपने घर पे रवा डोसा हमेशा बनाइए। मुझे बहुत पसंद आता है ये वाला डोसा, और वो जो अनियन का जो टेक्सचर है, फ्लेवर है, बहुत अच्छा आ जाता है। अनियन को ऐसे लास्ट में तवे के ऊपर डालिए तो हमेशा आपका जो डोसा है वो इवन बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। तो इसी तरीके से बनाइए रेसिपी, कमेंट्स में मुझे बताइए आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस क्रिस्पी डिलीशियस रवा डोसा रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।